दोस्तों ये है सीगेट का वन टच एसएसडी ड्राइव। आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे एंड साथ में देखेंगे कि इस टाइप के एसएसडी ड्राइव के क्या एडवांटेजेस है ओवर रेगुलर एचडीडी एंड साथ में आज हम इसका स्पीड टेस्ट भी करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना एंड आई एम श्योर आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक हाईलाइट। मैं हूं केतन। ये है सीगेट के वन टच एसएसडी ड्राइव का रिटेल बॉक्स। ये मैंने लिया है 1 TB वेरिएंट में एंड इसका और एक वेरिएंट भी आता है 512 GB का। अगर आप इसका 1 TB वेरिएंट चूज़ करते हैं तो आपको दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, वाइट एंड ब्लैक। एंड 512 GB में आपको वाइट एंड ब्लैक के साथ कुछ और स्पेशल कलर एडिशन भी मिल जाते हैं। ये SSD ड्राइव विंडोज़ एंड मैक दोनों में सपोर्ट करते हैं एंड अगर आपके पास लेटेस्ट iPad Pro है तो ये उसमें भी सपोर्ट करेगा। दोस्तों इस SSD ड्राइव की 1 TB वेरिएंट की प्राइस है 12,000 रुपीज़। अगर आप इसके 512 GB वेरिएंट के साथ जाते हैं तो वो आपको पड़ेगा 6,000 रुपीज़ में। एंड अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं कलरफुल स्पेशल एडिशन कलर 512 GB के साथ तो इसकी प्राइस 1,000 रुपीज़ से बढ़ जाएगी, वो आपको पड़ेगा 7,000 रुपीज़ में। मैं इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इस बॉक्स को ओपन करते हैं एंड देखते हैं कि सीगेट SSD के साथ हमें क्या कुछ मिलता है। ये सीगेट का मैनुअल है, साथ में आपको मिलता है एडोब क्रिएटिव क्लाउड फोटोग्राफी प्लान 3 मंथ्स के लिए। साथ में आपको माइलो का 1 ईयर फोटोग्राफी सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलता है इसके साथ। एंड ये है सीगेट का फन टच पोर्टेबल SSD ड्राइव, रैप करा हुआ है प्लास्टिक के साथ। इसके साथ कनेक्ट करने के लिए आपको ये केबल मिल जाता है। दोस्तों बात करें इस SSD ड्राइव के फिजिकल ओवरव्यू की तो ये टेक्सचर डिज़ाइन में आता है, प्लास्टिक बिल फिनिश है, काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट भी है एंड आपके हाथ में ये परफेक्टली फिट हो जाती है, कॉम्पैक्ट इन साइज़ है। साथ में यहाँ पे मिलता है आपको कनेक्टिंग पोर्ट जिसको आप अपने केबल थ्रू आपके PC या फिर मैक में कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप SSD ड्राइव के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं कि ये SSD ड्राइव काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होते हैं बिकॉज इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है। साथ में ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं एंड आपको स्पीड देते हैं अप टू 500 Mbps। सीगेट का ये SSD आपको स्पीड देता है अप टू 400 Mbps। आगे हम इसका स्पीड टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि सीगेट का ये SSD ड्राइव हमें कितनी रीड एंड राइट स्पीड देता है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा ये SSD ड्राइव लाइट वेट, कॉम्पैक्ट इन साइज़ एंड फास्ट होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। अगर आप इस SSD ड्राइव को अपने हैंड से 6 फीट की ऊंचाई से भी गिरा देंगे फिर भी इसमें आपका डेटा सिक्योर रहने वाला है बिकॉज इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है तो ये आसानी से डैमेज नहीं होता है। दोस्तों अगर बात करें इस SSD ड्राइव के यूज़ की तो इसको आप एज अ बैकअप ड्राइव यूज़ कर सकते हैं अपने PC, लैपटॉप या फिर मैक में। अगर आपके पास अपना iPad Pro है तो उसमें भी आप एज अ एक्सटेंशन ड्राइव इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर या फिर फोटोग्राफर है एंड अपना वर्क अपने डेस्कटॉप पे करते हैं तो इसको एज अ बैकअप ड्राइव यूज़ कर सकते हैं एंड अपना वर्क कहीं से भी अपने सेकेंडरी लैपटॉप में इसे कनेक्ट करके रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है खास करके डेटा बैकअप करने के लिए। दोस्तों SSD ड्राइव में आपको स्पीड मिल जाती है 400 Mbps तक, बट अगर आपके PC में USB 3.0 पोर्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके PC में 3.0 पोर्ट नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस टाइप के SSD ड्राइव ना ही ले तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर आपके PC में 3.0 पोर्ट नहीं है तो आपको स्पीड थोड़ी कम मिलेगी इस SSD ड्राइव के साथ। तो चलिए दोस्तों अब हम इस SSD ड्राइव का स्पीड टेस्ट कर लेते हैं।
तो दोस्तों 340 Mbps की हमें राइट स्पीड मिलती है एंड 332 रीड स्पीड मिलती है। सो मेरे हिसाब से ये काफ़ी डिसेंट स्पीड है, आइडेंटिकल है जो सीगेट क्लेम करता है। तो दोस्तों ये था सीगेट SSD ड्राइव का अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। अगर SSD ड्राइव के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करूँगा। एंड साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप किसी भी SSD ड्राइव का यूज़ करते हैं या फिर आप एक्सटर्नल HDD यूज़ करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।